पानी से पहले मुझे सख्त नफरत थी, लेकिन अभी ओ शिट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग व्लॉग्स। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, अभी बाहर निकला हूँ, संडे है, छोटा सा राइड और आते टाइम पे वाइफ के साथ। सो सैटरडे आई मीन सॉरी संडे इवनिंग स्मॉल राइड। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे ऑन टाइम मेरी हेल्प की थी एक फैमिली ने, मतलब हमारे डोमिनार ने एक दिन दम तोड़ दिया था मतलब बैटरी डाउन हो गई थी, सिग्नल नहीं कुछ नहीं, टर्न का करत है। सो डोमिनार की बैटरी डाउन हो गई थी अचानक से, तो बाजू में ही एक घर था तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। वहाँ पर मैं और मेरी वाइफ भी थी, वो एक्टिवा पे आई थी तो वो रुकी थी, तो हम लोग दोनों रुके। फिर बाजू में एक नज़दीक में ही एक गैरेज था, वहाँ से मैकेनिक को बुलाया और टाइम गया बहुत, तो तब तक हम लोग वो घर पे ही थे। कुत्ते लोग क्या कर रहे हैं रास्ते में, पूरा रास्ता ले लिया। ये शॉर्टकट वाला रोड सही है, लेकिन जैसे कि गांव के अंदर का रोड है तो स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, एंड स्पीड ब्रेकर्स भी एक हिस्सा रहता है अपने बैकबोन को तकलीफ देने के लिए। डोमिनार इज़ द फर्स्ट इंडियन बाइक टू राइड इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका तो आप लोग सब पता ही रहेगा, ऑब्वियसली नहीं पता रहेगा तो गूगल पे सर्च मारो। पर मैं यहाँ पर ही मेरी बाइक बंद हो गई थी। कोणी आहे का? नमस्कार, पार्सल आणलंय तुमच्यासाठी आणि मला पटकरून जायचं आहे। काय हां घ्यायला? म्हणजे ती तिची गाडी आहे, जास्त तर मग नाही, ती इथून नाही येत। हां तिथून मेन रोडला, कारण की एक तर स्पीड ब्रेकर पण खूप आहेत आणि इथे तर तो चिखलवाला रस्ता झाला आहे, मग ती बोलते की सरळ सरळ मी जाते त्यापेक्षा। आताच 2-3 दिवस झाले तिथून येते ती, तर आता मला तिकडेच भेटणार आहे। बाकी काका कुठे आहेत? अच्छा हां हां चला येतो। हां 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 येतो ना। काय त्याला फिरायला लावलंय काय? हां हां बरोबर। ती तिकडे बाईक घेऊन येते तशी। मी पार्सल तुमचं आणलं ना? हा तर माझ्या फ्रेंडने दिलेला, आता मला दुसरा आहे। ठीक आहे बघतेस ना तू? हां उद्या किंवा परवामध्ये स्वतःचा फेस बघून घे, सिम्पल। चल बाय। पानी से पहले मुझे सख्त नफरत थी, लेकिन अभी ओ शिट। सांप आया था वो मर गया क्या पता नहीं, मदत जनावर आला होता मला वाटलं मेला का काय गाडी खाली। हां आत्ताच मला वाटते वळला तो, रिटर्न वळला, तेच इथेच येत होता पण तेच मला वाटलं का गाडी खाली आलं काय, मला वाटते तो वळला परत माझ्या गाडीमुळे। नाही नाही पडलं नाही,
ही टू व्हीलर इकडेच थांबली. हां रिटर्न गेला मला वाटतं. मला असं थोडं ते पाणीमुळे समजलं नाही. इथे येत होता मला दिसलं. ते पाणीमध्ये समजत नाही ना जनावर ते जाते का नाही ते. नाही नाही मला पहिलं वाटलं की गाडी खाली गेलं का ते चांगलं नाही वाटत ना. सो आय होप की उसको चोट नहीं लगी रहेगी. अच्छा नहीं लगता है बेजुबान जानवर को तकलीफ देना. वो पानी के वेव से मुझे पता नहीं चल रहा था. मतलब क्लियर दिख ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कुछ है या नहीं. फाटक क्रॉस करने के बाद भी ये इधर गंदा रास्ता. मुझे एक समझ में नहीं आता है कि ये छोटे छोटे जगह क्यों रखते हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कीचड़ चिक्कड़ जो भी है वो होता है. अभी मेरी वाइफ कहाँ पर है या पहुँची या नहीं पहुँची ये भी नहीं पता है. सो आई हैव टू वेट. अगर वो दिखती है या पता नहीं अभी तक आई नहीं लगता है. वहाँ पर एक एक्टिवा किसकी दिख रही है. कुठे थांबायचं आहे. हां बघितलं मी. हां बॅग तर नुसतीच आहे खांद्याला काहीच नाही त्याच्या. हां दिले. काय बघते. काय कोलमी झालं संपलं. और हमारे गाव के पोलीस वाले जय हिंद सर. अच्छा है उसके शादी का ब्लॉग तो आपने देखा ही रहेगा. तेजस की शादी तेजस की हल्दी. ये जो बोलते हैं ना ये लोग जय हिंद सर क्या मस्त लगता है एनर्जेटिक लगता है. सो ग्रीन कलर का कपड़ा लाया मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए. और बोट के हेडफोन्स बोट रॉकर्स. किधर गया बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस. अमाउंट है 1499. अच्छा वाला है टील कलर का लिया मैंने. और इसका आप पढ़ सकते हो 10 मिनट्स में 10 आवर्स का प्ले बैक सही है. और मैक्सिमम प्ले बैक अप टू 40 आवर्स. मैग्नेटिक लॉक और बेस भी सब एक नंबर का है. तो मैंने इसको कंपेयर किया था मीवी के साथ. तो मीवी थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन में मुझे कम लगा. तो उससे अच्छा मुझे ये लगा बोट का. इसके लिए मैंने बोट का ऑर्डर किया. इसके पहले मैं स्कल कैंडी का यूज़ करता था. उसको तो ऑलमोस्ट 3 या 4 ईयर्स हो चुके थे और उसका हाल बहुत बेकार हो चुका था. तो मुझे वर्कआउट मतलब जिम के टाइम पे या फिर बाइक के टाइम पे नहीं मोस्टली जिम के टाइम पे मुझे हेडफोन्स चाहिए थे. उसके लिए मैंने वो मंगाए. और ये दूसरा ग्रीन कलर का जो लाइव स्ट्रीम के लिए ग्रीन स्क्रीन लगेगा उसके लिए वो मैं लेके आया. ऑनलाइन नहीं मंगाया वो मैं लेके आया. तो बस आज के लिए इतना रखते हैं. होप यू एंजॉय दिस शॉर्ट वीडियो. अगर आपको पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए. ओके नए रहोगे तो सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब फटाफट करना है मुझे नहीं पता कैसे भी करके करना ही है. ये हो गया कैरेमिनेटिक का डायलॉग. सो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली को बढ़ाना है. ओके सो टिल देन टेक केयर. बाय बाय.